वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे अक्षीकरण अंक, अपने चल रहा है केमिस्ट्री सेकंड, अक्षीकरण अपचयन अभिक्रिया चैप्टर चल रहा है क्लास 11th। आगे बात समझ में, और टॉपिक है अपना अक्षीकरण अंक। मैंने तुम्हें बताया था अक्षीकरण अंक होता क्या है, परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, अक्षीकरण अंक बोलते हैं, आवेशों की जो संख्या होती है। अपने पढ़ रहे थे अक्षीकरण अंक के नियम, अपनों ने दो नियम पढ़ चुके हैं। एक नियम अपनों ने पढ़ा ऑक्सीजन के बारे में, और जो दूसरा नियम है वो अपनों ने पढ़ा हाइड्रोजन के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, नंबर आप देख लेना, नियम पहले चल रहे थे, अब नेक्स्ट नियम पढ़ रहे हैं अपने। नेक्स्ट नियम क्या है, किसी भी तत्व के परमाणु का अक्षीकरण अंक शून्य होता है, शून्य होता है, जैसे P4 है, फास्फोरस तत्व है, P4 मॉलिक्यूल के रूप में लिखते हैं इसको। P4 में आप आपसे पूछ लिए P का ऑक्सीकरण अंक क्या है, फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक क्या है, तो यहां फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑक्सीकरण अंक को क्या होगा, शून्य होगा। अगर अपने क्या आ जाए Cl2, यहां क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। ऐसे ही देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ O2 की, O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा, शून्य लिख देता हूँ, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, शून्य। अगली बात समझ में, ऐसे ही क्या हो जाएगा H2 में हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा शून्य। आगे क्या बात समझ में, तो नेक्स्ट नियम समझ में आ गया, अपनों ने पढ़ा किसी भी तत्व के परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, शून्य। जैसे क्वेश्चन आ जाए अपने पास, S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, क्या होगा सल्फर का ऑक्सीकरण अंक, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा, शून्य होगा। आगे बात समझ में, शून्य होगा, यानी प्रॉब्लम ये नियम आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, अब एक उदाहरण लेते हैं अपनी, चलो यहाँ तक जितने नियम किए हैं ना उनके उदाहरण देखो, क्योंकि साथ में आपको समझ में भी आता रहेगा। देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए अपने, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन KMnO4 में, KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण क्या होगा, KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, क्या होगा KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक। तो देखो भी, मैंने तुम्हें बताया था, या मैं आज बता देता हूं वो नियम, वैसे नेक्स्ट करेंगे, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या होता है, शून्य होता है।
कहने का मतलब ये उदासीन योगी की बात कर रहा हूँ, चार्ज वाला योगिक नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे मैंने इधर लिख दिया NaCl, अब आपसे पूछ ले इसका ऑक्सीकरण अंक है +1 और इसका क्या होगा -1, तो दोनों ऑक्सीकरण पूरी योगी का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा यहाँ पे 0। जैसे यहाँ पे लिख दिया अपनों ने MgO, मैग्नीशियम हो जाएगा +2, ये हो गया -2, पूरे ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या होगा यहाँ पे 0। जैसे यहाँ पे लिख दिया अपने CaCl2, कैल्शियम होता है +2, ये -1 कितने हो गई, आगे बात समझ में, -2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 0। तो किसी भी यौगिक के परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। आगे क्या, या उसका टोटल ऑक्सीकरण अंक होता है ना, वो उसके परमाणुओं के योग के बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है KMnO4 का, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किसको कर रखा है, Mn को। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे Mn है उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो सबसे पहले मैं रूल अपना यूज करूँगा 0 वाला। मुझे एक बात यहाँ पे पता है, जो KMnO4 होता है उसका जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो 0 होता है। आगे बात समझ में, कहने का मतलब ये है यहाँ पे जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गई बात। अब अपने देखो रूल नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। मैंने तुम्हें बताया था जितने भी वर्ग एक के तत्व हैं, वर्ग एक के तत्व कौन कौन से बताए थे मैंने तुम्हें, बताओ इधर की तरफ आ जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम और इधर की तरफ आ जाएगा सीजियम। तो यहाँ पे जितने भी तत्वों को देखें तो यहाँ पे सबका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, +1 होता है। अब यहाँ पे K +1 है तो अपने को यहाँ पे क्या पता लग गया, K क्या होता है, K का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +1। दूसरा अपने को ऑक्सीजन का भी पता है, ऑक्सीजन में अपवाद क्या था, O2 में ऑक्सीजन का 0 और फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन धनात्मक और परोक्साइड के साथ ऑक्सीजन -1, परंतु यहाँ पे कोई भी अपवाद नहीं है, सामान्य ऑक्सीजन है, इन अपवादों में से नहीं है, तो सामान्य तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था ऑक्सीजन का सामान्य ऑक्सीकरण अंक होता है -2। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है -2, दो पता लग गए। तो Mn को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x। पहले अपने रूल के अकॉर्डिंग करते हैं फिर इसके ट्रिक और बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो K होता है +1, मैं इधर लिख दूंगा +1, योग की बात कर रहा हूँ, सबके ऑक्सीकरण अंकों का योग जुड़े होता है। फिर प्लस में Mn कितना है यहाँ पे, मैंने मान लिया x और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है -2, तो 4 × -2 कितने हो जाएंगे -8, इक्वल क्या आ जाएगा 0। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, Mn x बराबर क्या हो जाएगा 8 - 1, इक्वल क्या आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा +7। तो यहाँ से क्या पता लगता है, Mn है, Mn का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है +7 होता है। बोले यहाँ तक समझ में आ गई। एक तरीका और, अगर आपको 2 का पता है ना तो आप तीसरे का वैसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तो चलो रूल के अकॉर्डिंग हो गया, निकालना चाहो तो पूछ ले, कई बार निकाल के देखो, मगर आप सीधा भी बता सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वैसे मेरी ट्रिक बनाई हुई है, देखो इधर की तरफ आ जाएगा O4, मैंने तुम्हें बताया टोटल 0 होना चाहिए, उदासीन यौगिक है टोटल 0। अब मुझे इसका पता है +1, इसका पता है -8, अब -8 हो गया, ये 0 कब होगा, कितने रह गए तब 0 होगा, -8 हो गया, इधर +1 हो गया, अगर मैं यहाँ पे +7 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा +8 और ये कितना हो जाएगा -8, कितने हो जाएंगे 0। आप किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने इधर की तरफ लिख दिया NaCl = 0, यहाँ पे मुझे पता है सोडियम +1 होता है, तो क्लोरीन कितना होगा यहाँ पे, +1 को कितने से जोड़ें भी ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, +1 + -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। मेरी बात समझ में आ गई। तो KMnO4 आप वैसे भी चेक कर सकते हो, +1 + +7 कितना हो गया, +8 हो गया यहाँ पे और ये -8, और दोनों का योग क्या होता है अपने 0 के इक्वल होता है। बोलो समझ में आ गई बात, एनी प्रॉब्लम्स। अब देखो नेक्स्ट,
कोई भी आयन है, नेक्स्ट नियम है, कोई भी आयन है उसका जो आवेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। देखो कैसे, अगर मैं लिख दूं इधर Cl-, आपसे पूछ ले क्या है इसका ऑक्सीकरण अंक, तो जो उसका आवेश है वो ही उसका ऑक्सीकरण अंक, माइनस का कितना है 1, तो ये उसका ऑक्सीकरण अंक। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया Mg2+, तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा बताओ, इधर लिख देता हूँ मैं, ऑक्सीकरण अंक लिख रहा हूँ, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा बताओ, +2। अगर मैंने पूछ लिया इधर की तरफ Na+, इसका ऑक्सीकरण अंक बताओ। किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक उसके आवेश के बराबर होता है, क्या आवेश है इसमें, +1, तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा, +1। मेरी बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल काम है। आगे बात समझ में, जैसे इधर की तरफ लिख दिया S-2, पूछ लिया इसका ऑक्सीकरण अंक बताओ S-2 का, तो क्या हो जाएगा उस पर आवेश कितने हैं, -2, तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा, -2। यहाँ तक बोला समझ में आ गया, हाँ भाई। नेक्स्ट अपने चल रहा है ऑक्सीकरण अंक के नियम चल रहे हैं, मैं बता देता हूँ तुम्हें, नेक्स्ट नियम आ जाएगा, देखो जटिल आयनित यौगिक होते हैं जिन यौगिकों के ऊपर चार्ज होता है, इस यौगिकों के ऑक्सीकरण अंकों का योग उस आवेश के बराबर होता है। कैसे, देखो जैसे मैंने इधर की तरफ लिख दिया MnO4-, अब आपको यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक निकालना है Mn का, तो यहाँ पे जीरो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे -1 चार्ज है, तो इसको निकालने के लिए अपने को इक्वल क्या करना पड़ेगा, इधर -1। मेरी बात समझ में आ गई, जैसे एग्जांपल देखो, मैंने इधर लिख दिया PO4-3-, अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लो आपकी P, आपको बोल दिया निमन जो यौगिक में फास्फोरस, निमन आयनित यौगिक में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो यहाँ पे P निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, X। ऑक्सीजन अपने को पता है क्या होता है, -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X योग करना है अपने को, +, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, -2 × 4 कितना हो जाएगा टोटल, -8, सीधा लिख देता हूँ -8, और बराबर किसके आ जाएगा, अब देखो बराबर जीरो नहीं करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था, तो जटिल आयन होता है उनका जो आवेश होता है वो उस ऑक्सीकरण अंकों के योग के बराबर होता है, कितना आवेश है यौगिक के ऊपर, 3-, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, -3। अब अपने निकाल लेंगे इसको, x बराबर क्या आ जाएगा, 8-3 कितना आ जाएगा, x बराबर +5। आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स, देखो अब अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ आ गया होगा समझ में, बाकी सारे अपवाद हैं वो क्वेश्चन में दूर होते जाएंगे। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या होता है, किसी भी उदासीन यौगिक में, किसी भी यौगिक में क्या आ जाएगा, 0। आगे बात समझ में, तो अब अपने देखो, जैसे क्वेश्चन आ गया अपने K2Cr2O7, अब आपसे पूछ लिया यहाँ पे में क्वेश्चन नहीं है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, क्या जाएगा अपने देखो, सबसे पहले तो देखो ऑक्सीकरण अंकों का योग, कोई भी चार्ज नहीं है इस यौगिक के ऊपर, तो इसका मतलब इसका योग क्या होगा, 0। तो अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, K2Cr2O7 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसको अपने नीचे कर लेंगे अपने अंडरलाइन जो भी अपने, अब यहाँ पे K बताओ क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था वर्ग के तत्व होते हैं उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, -2। क्रोमियम अपने को यहाँ पे क्या है, X निकालना है, तो लिख दो भी +1 + 1 कितनी हो जाएंगे, तो +1 कितना आ जाएगा, 2, प्लस में क्रोमियम X 2 है तो क्या हो जाएगा, 2X। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा,
सेवन इंटू माइनस टू इक्वल क्या आ जाएगा? जीरो। बोला यहाँ तक आ गया समझ में? आगे क्या आ जाएगा? प्लस दो हो गया ये, तो टू प्लस प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा? टू एक्स। प्लस में क्या आ जाएगा अपने इधर की तरफ? माइनस फोर्टीन। और इक्वल क्या आ जाएगा? जीरो। एनी प्रॉब्लम्स? अब देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर 14 माइनस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x बराबर 12। x बराबर क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 2 इक्वल में क्या आ जाएगा? 6। कौन सा 6 आ जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पे क्रोमियम क्या हो गया? प्लस 6। चेक करना हो तो चेक करने का तरीका मैंने बताया था, देखो K2 Cr2 O7। अब टोटल इक्वल क्या होता है इसका? जीरो। इधर की तरफ लिख देंगे जीरो। अब मुझे इसका पता है प्लस वन कितने हो गए? प्लस के दो। ये कितने हो गए? माइनस के 14। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे देखो कितने हो गए माइनस 14, इधर की तरफ प्लस टू, कितने प्लस के होने चाहिए? प्लस 12। जितने माइनस के उतने प्लस के होने चाहिए, सीधी सी बात है। अब माइनस के इधर 14 है, इधर प्लस के, तो एक क्रोमियम हो गया, दो क्रोमियम 12 अपॉन में 2 कितने हो जाएंगे? 6। आगे क्या अपने पास? Cr2 था। एनी प्रॉब्लम्स? एक और देखते हैं एग्जांपल क्वेश्चन, देखो भी नेक्स्ट। K2 MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक होगा, क्या होगा? देखो पहले KMnO4 लिया था, अब की वाली है K2MnO4। कितना आ जाएगा इधर? प्लस का 2। पहले तो बराबर करते हैं, K2 आंसर कर रहे हैं इधर की तरफ, K2MnO4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2 प्लस के हैं इधर की तरफ प्लस, Mn को मैंने क्या मान लिया इधर की तरफ? K होता है प्लस 1, वर्ग 1 का तत्व है, Mn क्या हो जाएगा? x, ऑक्सीजन होता है माइनस 2, तो क्या आ जाएगा इधर की तरफ? प्लस कितने आ जाएंगे? माइनस 8, इधर की तरफ आ जाएगा बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2, फिर क्या आ जाएगा? x बराबर प्लस 6। तो अब अपने को चेक करना है, चेक करने के लिए देखो दोनों बराबर 0 हो रहे हैं क्या? K2MnO4 ऑक्सीजन कितना हो गया? माइनस 8, इधर प्लस का 2, कितने रह गए माइनस 8, प्लस का 8 करने के लिए प्लस 6। किसी का भी निकाल सकते हो आप, बहुत ही सिंपल है ये ट्रिक, बहुत ही सिंपल, बिना कुछ किए आपको पता लग जाएगा किसका कितना होता है, बहुत ही सिंपल काम है ये, आप किसी का भी निकाल सकते हो इधर से। आगे बात समझ में? जैसे देखो चलो ये ले लेते हैं सिंपल। अब मुझे पता है यहाँ पे सोडियम कितना है? प्लस वन, प्लस वन कितने हो गए? प्लस के 2, तो ऑक्सीजन कितना होगा बताओ? माइनस 2। आगे बात समझ में? एक और देखो, जैसे आपको बोल दे, मेरी वाली ट्रिक देखना, H2SO4 सल्फर कितना होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? प्लस के 2। ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे? 4 × 8 माइनस 8, तो सल्फर यहाँ पे दिख रहा है, बताओ कितना होगा? यहाँ पे माइनस 8 है, इधर क्या होना चाहिए? प्लस 8, प्लस 8 में से प्लस 2 हो गए, कितने रह गए? प्लस 6। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कल अपने करेंगे कुछ अपवाद वाले एग्जांपल। आगे बात समझ में? कुछ नहीं करना, आपको x मानना है, x मान के सीधा निकालना है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आगे जितने नियम बोले हैं उसके आधार पर करेंगे, कल अपने क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे अगले वाले नेक्स्ट वाले पार्ट में, और कुछ अपवाद हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।